हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज मैं अपने विंटर गार्डन की एक छोटी सी झलक जो है आप लोग से शेयर करूंगी फ्रेंड। तो मैंने विंटर के कुछ प्लांट की शॉपिंग जो है की थी, जो कि आप लोग से मैंने शेयर भी किया था और सभी प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और मेरे जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं सभी अच्छे से चल रहे हैं। तो ज़्यादा तो विंटर के प्लांट की शॉपिंग मैंने नहीं की थी, थोड़े बहुत ही प्लांट थे और थोड़े मैंने कटिंग से ही प्लांट जो है वो बनाए थे। तो सभी प्लांट का अपडेट मैं आज आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। नवंबर के मंथ में मेरे जितने भी परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं फ्रेंड, सभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ठंड की शुरुआत जो है हो चुकी है और देख सकते हैं आपकी मेरे जितने भी ये परमानेंट फूलों वाले प्लांट है सब इस तरह से खिल ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो इधर आप देख सकते हैं कि ये मेरा टिकोमा का प्लांट है और इसमें भी लगातार ब्लूमिंग जो है हो ही रही है। और इधर मेरे सारे यूफोर्बिया मिली के कलेक्शन है जिसे मैंने कटिंग से रेडी किया है। देखिए मेरे जितने भी यूफोर्बिया मिली के प्लांट है सब में अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है हो रही है। और देखिए इसका जो कलर है वो कितना प्यारा है और कलियाँ भी इसमें ढेर सारी इस तरह से देख सकते हैं। अभी इसमें कलियाँ भी बन रही और इसके जो फ्लावर हैं लगातार एक महीने से ऊपर हो गए होंगे। इस तरह से इसमें फ्लावरिंग जो है हो ही रही है लगातार। और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरा अलमंडा का फ्लावर है जो कि बिग साइज़ का, और देखिए इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है अभी नवंबर के मंथ में हो रही है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये मेरा अलमंडा बुश वाला प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग जो है हो रही है। तो मेरे दोनों अलमंडा के प्लांट में देख सकते हैं आपकी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है अभी हो रही है। और अब तो गुलाब का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। तो गुलाब के जितने भी चाहे वो हाइब्रिड वाले हों चाहे वो देसी वाले हों सभी में फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए इधर मेरे ये वाइट कलर वाले गुलाब के प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें भी गुच्छे में इस तरह से फ्लावरिंग जो है होती है। और देखिए इसके जो वाइट कलर होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी गुलाब का प्लांट होगा तो उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है विंटर में देखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट हो गए और अलमंडा के प्लांट हो गए जो कि फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अपराजिता का प्लांट है जो कि ब्लू कलर वाला है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो मिनिएचर वाला गुड़हल होता है ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है फ्रेंड। घर भर के इसमें फ्लावरिंग जो है आपको हर समय देखने के लिए मिलेगी। ये प्लांट तो मेरा हर समय इस तरह से लगातार इसमें ब्लूमिंग जो है देखने के लिए मिलती है। देख सकते हैं इस समय भी मेरा जो प्लांट है पूरा इस तरह से फूलों से भरा हुआ है। तो इस प्लांट को तो ज़रूर शामिल कीजिए क्योंकि ये जो प्लांट है इस तरह से लगभग पूरे साल इसमें फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है। और देख सकते हैं इसमें कलियाँ भी इस तरह से काफ़ी आई हुई हैं। और इधर पे मेरा बॉगनविला का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से रेडी किया है जिसमें पिंक कलर के इस तरह से फ्लावर जो हैं आते हैं और इसमें भी फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। और इधर आप देख सकते हैं तो मेरे पास वाइट कलर के दो तीन प्लांट हैं वाइट वाले गुड़हल के, तो ये भी प्लांट जो है इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अब कलियाँ बनना शुरू हो गई है। तो मेरे ये जो वाइट वाले गुड़हल के प्लांट है इसमें अब कलियाँ बनना शुरू हो गई है, यानी कि ये जो प्लांट है मेरा अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है इसमें अब होने वाली है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है जो कि इसके कलर जो हैं काफ़ी प्यारे लगते हैं और इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही बनाया है। और देखिए इसके जो फ्लावर होते हैं एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं और इसमें भी फ्लावरिंग जो हो रही है आप देख सकते हैं। और ये जो एक्जोरा का प्लांट है देख सकते हैं इसमें कलियाँ जो हैं काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और इधर मेरा एक और आप देख सकते हैं वाइट वाला गुड़हल का प्लांट है। तो वाइट वाला जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सब मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं। और ये जो व्हाइट वाले गुड़हल के प्लांट है इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है। तो इस प्लांट को आप अभी कटिंग से बना सकते हैं। देखिए ये जो मेरा प्लांट है अभी भी नवंबर के मंथ में इसमें इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। जितने भी यूफोर्बिया मिली के प्लांट हैं सभी के सभी इस तरह से बेकार चीज़ों में लगे हुए हैं। ये चाय पत्ती का पॉकेट हो गया, ये ग्रो बैग है और ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स है। तो इस सभी में बेकार चीज़ों में ही मेरे जो यूफोर्बिया मिली के प्लांट है, देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट हैं और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरा गोम फिरना का प्लांट है जो कि काफ़ी छोटा सा है और बिल्कुल एक इस तरह के जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं हमारे घर से निकलने वाले कबार में, ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। और ये भी प्लांट जो है भर भर के खिलता है और एक बार जब इसके फ्लावर जो हैं खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इस तरह से टिके रहते हैं। तो गोम फिरना के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, इसमें ढेर सारे कलर जो हैं आपको देखने से मिल जाएंगे फ्रेंड। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा रेड कलर वाला एक्जोरा का प्लांट है और उसमें भी कलियाँ जो हैं वो बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं सभी में अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो नवंबर के मंथ में भी देखने को मिल रही है। तो ये पिंक कलर वाला कनेर का प्लांट हो गया, ये भी इस तरह से लगातार खिल ही रहा है। और मेरे जो अपराजिता के प्लांट है उसकी फ्लावरिंग जो है वो अभी थोड़ी कम हो गई है, देख सकते हैं फिर भी इसमें फ्लावरिंग जो है इस तरह से हो ही रही है क्योंकि इस साइड में धूप जो है वो बहुत ही कम आती है।
तो कम धूप आने की वजह से ये जो हमारे जो फ्लावर्स प्लांट हैं ये विंटर में थोड़ा कम खिल पाते हैं, क्योंकि इन्हें भरपूर धूप जो है वो चाहिए होती है। मैं आपको अपने विंटर के फूलों वाले प्लांट है उसे भी दिखा देती हूँ। उससे पहले आप मेरा ये जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट है इसे देख लीजिए, कितनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग जो है हो रही है। इस तरह से भर भर के जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट है ये जाड़े के दिनों में ही इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से जहाँ पर ये जो बाकी गुड़हल के प्लांट होते हैं देसी वाले वो थोड़ा कम खिलते हैं, उनके जो फूलों का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, तो ये जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट होता है फिर ये भर भर के खिलता है। तो इस प्लांट की कटिंग अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो लगा लीजिए। अभी इस प्लांट की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे से ग्रो बैग में मैंने इसकी 3-4 कटिंग जो है और लगा दी है। और ये जो इतना बड़ा प्लांट आप मेरा देख रहे हैं इसे भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। तो ये जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे में ही फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैरीगोल्ड प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी स्पॉट में, तो देखिए कटिंग मेरी बहुत ही अच्छे से चल गई है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जाड़े के दिनों में भर भर के खिलने वाला है जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट है इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके जो फ्लावर होते हैं और माता रानी को चढ़ाए भी जाते हैं। जो मेरे विंटर के प्लांट थे फ्रेंड सबको मैंने रिपोर्ट जो है अच्छे से कर दिया है, खाद वाली मिट्टी बनाकर इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया। और देखिए मेरे जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से, इन्हें अच्छी सी मिट्टी मिल गई तो ये जो प्लांट है मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो भी होने लग गए और इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये टोरिनिया के जो मेरे प्लांट है इसे दिखा दूँ। तो इस प्लांट को भी मैंने इसकी शॉपिंग जो है की थी, तो फर्स्ट बार मैंने जो टोरिनिया के प्लांट है इसे अपने गार्डन में ऐड किया है। देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ही अच्छा फूलों वाला प्लांट है। और इधर मेरे व्हाइट कलर वाले पिटूनिया के प्लांट हो गए, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो गई है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये इस तरह से ये थोड़ा डार्क बैगनी कलर वाला है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी इस प्लांट में बन रही है आप देख सकते हैं। कलर वाला पिटूनिया का प्लांट हो गया और इधर आपको मैंने दिखाया ये डार्क पर्पल कलर वाला हो गया और इधर हो गए मेरे पिंक कलर वाले पिटूनिया के प्लांट। तो अगर आप जाड़े के दिनों में भर भर के फ्लावरिंग चाहते हैं तो ये जो पिटूनिया का प्लांट है इसे ज़रूर नर्सरी से खरीद के ले आइए। भर भर के जो प्लांट है पूरे विंटर जो है ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और अगला जो फूलों वाला प्लांट है ये भी विंटर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो यह है डेंथस का प्लांट। डेंथस के प्लांट में भी ढेर सारे कलर जो है आपको नर्सरी में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो मैंने तो 2 कलर ही इसके ऐड किए हैं। काफ़ी सुंदर फूलों वाला प्लांट है, ये भी भर भर के खिलता है पूरे विंटर, तो इस प्लांट को भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। और अगला जो खूबसूरत प्लांट है इसके बिना हमारा विंटर गार्डन जो है बिल्कुल अधूरा लगता है फ्रेंड, ये है गुलदावरी का प्लांट। देखिए इसके जो फ्लावर्स होते हैं इस तरह से भर भर के खिलते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में और पूरे गुच्छे में ये जो खिलते हैं लगभग 1-2 महीने तक तो इसके फ्लावर जो हैं इस तरह से टिके ही रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा विंटर का फूलों वाला प्लांट है ये। गुलदावरी के ढेरों प्लांट जो मैंने कटिंग से रेडी किए हैं, लेकिन ये जो गुलदावरी का प्लांट है मैं नर्सरी से लेके आई थी क्योंकि इसका जो फ्लावर है मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे देखने में। और इसी प्लांट से मैंने एक और प्लांट जो है इसके सेपरेट करके देख सकते हैं, एक और पॉट जो है फ्री में रेडी कर लिए हैं, तो 2 पॉट जो है मेरे इसके हो गए हैं। और मैं इसकी कटिंग भी लगा कर देखूँगी, अगर कटिंग लग जाएगी तो और भी प्लांट जो है मैं इसके बना लूँगी फ्री में। और देखिए यहाँ पर एक और मैरीगोल्ड का प्लांट है जो कि मैं नर्सरी से लाई थी, इसे भी रिपोर्ट कर ली। और देखिए यहाँ पर ये जो लाइट लेमन कलर का है और ये थोड़ा डार्क कलर का ऑरेंज कलर का, तो ये दोनों प्लांट भी मैं नर्सरी से लेके आई थी और बहुत ही अच्छे से जो मेरे प्लांट है फ्लावरिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं इसमें कलियाँ भी ढेर सारी बनी हुई हैं। मेरे घर से निकलने वाले जो पॉली बैग आते हैं उसमें मैंने मिर्च के ढेरों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और मेरे जितने भी मिर्च के प्लांट थे सभी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी मेरे विंटर के फूलों वाले प्लांट की मैंने शॉपिंग की थी सबको मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है और सभी बहुत ही अच्छे से चल भी रहे और देख सकते हैं आप फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। फूलों वाले प्लांट होते हैं फ्रेंड जब इसे हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो अच्छी सी मिट्टी बनाकर ही हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारे प्लांट है पूरे विंटर अच्छे से फ्लावरिंग जो है कर सके। तो जब हमें इन फूलों वाले प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें नॉर्मल मिट्टी, थोड़ा सा बालू की मात्रा और थोड़ी सी गोबर की खाद, ये तीनों को ऐड करके अच्छे से मिट्टी बनाकर हमें ये जो विंटर के फूलों वाले प्लांट है उसे रिपोर्ट करना चाहिए। इधर मेरे सारे कटिंग से रेडी हुए विंटर के फूलों वाले प्लांट हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं, तो इधर सारे गुलदावरी के मेरे प्लांट हो गए और इधर मेरे सारे कलांचो के प्लांट हो गए और इधर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे सारे मैरीगोल्ड के प्लांट हो गए जो कि देसी वाले हैं। सारे जो फूलों वाले प्लांट आप देख रहे हैं मैरीगोल्ड हो गए, कलांचो हो गए या फिर ये इस तरह से गुलदावरी के प्लांट हो गए, ये सारे जो हैं परमानेंट होते हैं। एक बार इनको अगर आप लगा लेते हैं तो फिर ये जो प्लांट है पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे, तो इन प्लांट को तो ज़रूर आपको अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए क्योंकि बार बार इनकी कटिंग जो है हमें नहीं लगानी पड़ती है और न ही नर्सरी से खरीद के लाना पड़ता है। तो इधर मेरे सारे
मेरी गोल्ड के प्लांट हो गए जो कि देसी वाले हैं, देख सकते हैं। तो मेरे कटिंग से रेडी हुए गुलदाउदी के प्लांट हैं और मेरे जितने भी गुलदाउदी के प्लांट हैं देख सकते हैं सब में इस तरह से कलियाँ जो हैं वो अब बन रही हैं, बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब गुलदाउदी में पिंचिंग का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और इसकी अगर हम कटिंग लगाएंगे तो प्लांट तो कटिंग से लग जाएगा लेकिन फ्लावरिंग जो है वो टाइम पे नहीं कर पाएगा। और देखिए मेरे जितने भी गुलदाउदी के प्लांट है सब में इस तरह से कलियां जो है वो बन रही हैं। मेरे सारे देसी वाले इस तरह से कलांचो के प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। तो अगर आपको कहीं भी जो प्लांट दिख जाते हैं तो अभी भी इनकी कटिंग जो है लगा लीजिए ताकि आपका जो प्लांट है आपके पास फ्री में बन जाए। तो यहाँ पर भी ढेर सारे मेरे कलांचो के प्लांट हैं और कुछ दिनों पहले ही मैंने जितने भी मेरे ये जो विंटर के प्लांट आप देख रहे हैं जिसको मैंने कटिंग से रेडी किया है सब में गोबर की खाद जो है वो और हल्का हल्का राख जो है डाल दिया है। तो वुड ऐश का यूज़ जो है आप विंटर में ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छे होते हैं ये हमारे जो फूलों वाले प्लांट होते हैं उसके लिए, उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है। तो जो विंटर के फूलों वाले प्लांट हो गए फिर इनमें फर्टिलाइजर के तौर पर ज़्यादातर मैं लिक्विड फर्टिलाइजर का ही यूज करती हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए, अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है और अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग भी होती है। तो आप अपने घर से निकलने वाले जो दाल चावल का पानी हो गया या फिर केले के छिलके प्याज के छिलके सभी को भिगो कर रख दीजिए और उसका जो पानी है उसमें सादा पानी ऐड करके आप अपने विंटर के फूलों वाले प्लांट को दीजिए। फर्टिलाइजर बनाकर हम अपने घर के जो दाल चावल का पानी होता है या फिर इस तरह से सब्जियों का फ्रूट का पानी होता है उसे जब हम देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है इस तरह से। तो जो विंटर के फूलों वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहते हैं, सीजनल होते हैं, 3-4 महीने ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो उनमें आप ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे ही दिया कीजिए ताकि ये जो प्लांट है अच्छे से चल सके और फ्लावरिंग भी भर भर के कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ मैंने इस तरह से विंटर के जो वेजिटेबल्स हैं उसकी सीड्स भी डाले हैं, धनिया के सीड्स जो डाले हैं और इसमें राई के डाले हैं, कुछ में पालक के डाले हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ ये जो विंटर के वेजिटेबल्स होते हैं उसके सीड्स भी डाले हैं और अभी ये ग्रो नहीं हुए अच्छे से। विंटर के फूलों वाले प्लांट होते थे इसको लगाने के लिए आपको गमले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी छोटे छोटे इस तरह के कबार में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेंट की बाल्टी का यूज किया है, ये जो आटे के सर्फ के पैकेट होते हैं उसमें भी आप इन्हें लगा सकते हैं। और ये जो थर्माकोल के बॉक्स आते हैं ये इस तरह के बॉक्स इनका यूज भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने कलांचो लगाया है और ये जो हमारे घर से निकलने वाले रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं तो देख सकते हैं आप जितने भी मेरे गुलदाउदी के प्लांट हो गए सबको मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है और इसी में बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये सर्फ के पैकेट में मेरा ये कलांचो का प्लांट जो है लगा है। बिना गमले खरीदे भी आप ये जो विंटर के फूलों वाले प्लांट है उसे लगा सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत जो है इन्हें नहीं होती है, छोटे छोटे गमले में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मैरी गोल्ड के प्लांट आप देख रहे हैं इसे मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही और ये इस तरह से बैटरी की जो बोतल आती है बड़ी वाली तो उसी में लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे घर से निकलने वाले जो डब्बे होते हैं या फिर इस तरह के आटे की सर्फ के पैकेट हो गए उसमें भी ये जो फूलों वाले प्लांट हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं।